5 things I wish I knew when I was 20. तो आज इस वीडियो में ना यार मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में एक्सपीरियंस करी। अगर मुझे ये 20 साल की उम्र में पता होती तो शायद आज मेरी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी कुछ अलग होती, शायद मैंने कुछ और अकम्प्लिश करा होता जो मैंने करा उसके अलावा और उससे ज्यादा। तो आज मैं 36 ईयर्स का हूँ एंड आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल बडेसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली, इट्स अ पर्सनल केयर ब्रांड। तो यार सबसे पहली चीज ना जो मैंने रियलाइज करी वो है कि हेल्थ एंड फिटनेस दिस इज द कोर फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर लाइफ। तो सबसे पहले हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर आता है आपका डाइट और न्यूट्रिशन, क्या खाना आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो। इससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी ऑप्टिमाइज होती है फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, राइट। स्पोर्ट्स एथलीट्स जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी डाइट और न्यूट्रिशन के स्पेशल चार्ट बनाए जाते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो वो खाते हैं वही तो वो बॉडी प्रोसेस करती है, वहीं से सारी एनर्जी आती है और उसको ऑप्टिमाइज करके वो फील्ड पे अपना परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें सिर्फ आप खाने से जो खाते हो ना उसी से एनर्जी मिलती है। इसके बाद इसी के अंदर नेक्स्ट चीज आती है क्वालिटी स्लीप। यार 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। एंड वाई आई से क्वालिटी स्लीप, मतलब अनडिस्टर्ब्ड होनी चाहिए वो और आप प्रॉपरली सो रहे हो, आपकी बॉडी उस टाइम पे रेस्ट करती है, रिकवर करती है। बेड टाइम है आपका 9 बजे और वेकअप टाइम है 5 AM, दैट्स द आइडियल टाइम। मेक श्योर दैट यू गेटिंग दिस ऑन अ डेली बेसिस, राइट, ताकि आप नेक्स्ट डे अच्छे से फंक्शन कर पाओ। इसी के अंदर एक नेक्स्ट पहलू आता है हाइड्रेशन, पानी। यार पानी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है, राइट। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, ये बताया जाता है और साइंस ने भी इसको प्रूव करा है कि हमारे सेल्स के अंदर हर जगह पानी ही पानी है ज्यादातर। 70% पानी मतलब आपको उसको रिप्लेनिश भी करना है। रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी, अब तो गर्मियां आ गई हैं तो 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही पीना चाहिए यार। फिर अगली चीज इसके अंदर आ गई आपका वर्कआउट, राइट। आई थिंक एनी फॉर्म ऑफ फिटनेस, बी योगा, आपको कैलिस्थेनिक्स पसंद है आप वो करो, आपको जिम जाना है आप वो जाओ, कार्डियो करना है कार्डियो करो, रनिंग करो, व्हाटएवर यू डू, बट एटलीस्ट 45 मिनट्स इन अ डे, 5 डेज इन अ वीक यू हैव टू डू दिस यार, ये तो मतलब नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट इसी के अंदर हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर एक मेंटल हेल्थ का भी मैं टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ना लाइफ के अंदर जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हो आप अपनी मेंटल हेल्थ को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह के इश्यूज आने लगते हैं। तो एक बैलेंस करके अपने दिमाग को सेंटर में रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर मेडिटेशन शुरू करी। मेडिटेशन मैं नहीं कहता कि आप सॉलिट्यूड में जाके बैठो, बट अकेले अपने आप के साथ साइलेंस में बैठना आधे घंटे के लिए, डीप ब्रीदिंग, यही अगर आपने 50 बार 100 बार रिपीट कर लिया ना, इसी को मेडिटेशन बोलते हैं यार, और इसी में आपको इतनी शांति महसूस होगी ना। और ये आपने अगर जिंदगी में जल्दी शुरुआत कर ली इसकी, आई थिंक यू विल बी अ विनर वेरी सून। अब दूसरी चीज जो आती है दैट आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज 20 इज द पावर ऑफ रूटीन, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हम आजकल जनरेशन इतनी शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो गए हैं, 3 सेकंड से ज्यादा लोग कुछ देखना नहीं चाहते। सोशल मीडिया ने शॉर्ट्स का कल्चर बना के ऐसा कर दिया है कि बस अटेंशन इज जस्ट लाइक स्वाइप 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 स्वाइप। तो यार आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग रूटीन्स इन योर लाइफ। मॉर्निंग रूटीन हो गया एक, आपका नाइट रूटीन हो गया, और बीच के दिन में जो जिंदगी आपकी चल रही है उसको आप किसी ना किसी तरह से एक स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करो, ताकि आप क्लियर हो आपको कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, राइट। तो ये अगर आप लोगों ने यार अपना मॉर्निंग रूटीन बना लिया ना एट एन अर्ली एज, लाइफ आपकी ना बहुत मजेदार हो जाएगी। देन कंसिस्टेंसी, लाइफ ना बोरिंग हो तो ज्यादा बेटर है कई बार ऐसा मैं बोलता हूँ, क्योंकि बोरिंग जिंदगी और बोरिंग चीजों से ही आगे बढ़ के आपका दिमाग एक स्टेबिलिटी पे आ जाता है, एक स्थिरता मिलती है आपको, और जब वो आपको मिल जाता है ना तो आपके दिमाग किसी और चीज पे लगता है। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ न्यू थिंग्स। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कुड डू, और मैं पहले करता 32 से 36 में, आई हैव सीन योर लाइफ चेंज हो गई है मेरी पूरी, राइट। लास्ट थिंग इज सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि बहुत आसान है कि आप अपने दोस्तों के साथ फ्राइडे नाइट, मंडे नाइट, वेडनेसडे नाइट, आज भाई यहाँ पे हैप्पी आवर से, आज वहाँ हैप्पी आवर से, आज यहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, यू हैव अ कपल ऑफ ड्रिंक्स इन द नाइट एंड देन यू गो मैच देखा, तो यार आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है, मतलब यू आर नॉट इवन ऑप्टिमाइजिंग योर सेल्फ टू परफॉर्म बेटर, तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, कीप इट फॉर मे बी अ फ्राइडे इवनिंग। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, नेवर स्टॉप लर्निंग। हमें लगता है कि यार स्कूल कॉलेज खत्म हो गया, अपनी किताबों को फेंको भैया, अब आगे बढ़ते हैं जिंदगी के अंदर, और आई थिंक दिस इज द टाइम दैट वी गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग। बट क्या है ना कि जब आप लर्निंग बंद कर देते हो तो आपके दिमाग की सोचने की शक्ति, जो होराइजन जिस पे आप सोच पाते हो, कोई नई इंफॉर्मेशन अक्वायर करने की, नई नॉलेज अक्वायर करने की स्किल, वो खत्म हो जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप लर्निंग। तो मतलब बुक पढ़ना, पॉडकास्ट आप सुन सकते हो। एंड लास्ट और फाइनल पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई थिंक इट इज, जब तक आपका वाइज स्ट्रांग नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ क्लियर विजन एंड अ क्लियर गोल ऑफ व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, तब तक आपको जिंदगी के अंदर कभी क्लैरिटी नहीं होगी कि आप किस चीज की तरफ भाग रहे हो, क्या आपकी दिशा है, क्यों आप जाना चाहते हो वहां तक, तो आप अपना क्यों ढूंढो, व्हाई इज इट दैट यू वांट टू डू समथिंग। तो मैंने अपने लिए क्लियर टारगेट रखा, एक क्लियर गोल डिफाइन करा, अपनी जिंदगी में विजन को लेकर आया। तो मेरा विजन है कि एनवायरमेंटली को
मैं इंडिया की सबसे बड़ी पर्सनल केयर ब्रांड और मोस्ट सस्टेनेबल ब्रांड बनाना चाहता हूँ बाय 2030। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि क्लियर विजन एंड डिफाइन योर गोल्स सो दैट यू नो वेयर यू गोइंग इन लाइफ एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक। तो ये सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करोगे एंड यू विल बी एबल टू सी अ ह्यूज ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर लाइफ विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। इसको प्लीज शेयर करना किसी को आपको लगता है कि भाई ये वीडियो से इसको हेल्प हो सकती है, तो उसके साथ शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज मी राहुल बडीसरा साइनिंग आउट। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अंटिल देन रिमेंबर लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।